हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। ये अपडेट रहने वाली है जिसके अंदर सीएम साहब ने भी लाइव आकर पूरी जानकारी दी है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस किस को मिल रही है HKRN के नौकरी। सारी बातें बताई है कि ऑफर लेटर किस भाई और बहन को मिलता है इसके अंदर। आप सभी जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और बाद में बोलते रहते हैं हमारा ऑफर लेटर नहीं आ रहा, किस वजह से आपका ऑफर लेटर वो नहीं मिल पा रहा, आप सभी को पूरा इस वीडियो में हम डिटेल बताएंगे। और किस किस को ऑफर लेटर मिल चुका है और किसको मिलने वाला है, कौन कौन इस ऑफर लेटर से वंचित रह सकता है, आपको पूरा एक एक पॉइंट वाइज वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और पीएन का जो वेट कर रहे हैं सभी बच्चे की ऑफर लेटर कब तक आएगा उसका भी हम डिटेल्स देंगे। HKRN के अंदर कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है अभी तक, वो भी हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कितने बीए पास वालों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट वालों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कितने दसवीं पास वालों ने कर रखा है, कितने बारहवीं पास वालों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कितने ITI वालों ने कर रखा है, कितने डिप्लोमा वालों ने जो अपना रजिस्ट्रेशन वो कर चुके हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, तो पूरा एक एक पॉइंट हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, सीधी आप तक पहुंचती रहेगी। तो मेरे भाई और बहन, अभी के अभी सारे भाई और बहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रखा तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि वहां पर हमारे और स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी जुड़ सकते हो। एक तो 24 घंटे जो भी अपडेट्स आएंगे तुरंत वहां पर देखने को मिल जाएंगे। किसी भी टाइप का आपको कोई भी इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, जो हरियाणा के सीएम साहब ने क्या अपडेट दिया आप सभी के लिए, पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये बड़ा अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आया हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पोर्टल पर। 373 PhD जो कैंडिडेट है उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। बेरोजगारी को देखते हुए PhD वाले भी अपना रजिस्ट्रेशन करने लग गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर। अभी तक जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन चालू है, अपने कर लो, टाइम रहते हुए आपको जॉब मिल जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, जिसके अंदर साफ साहब क्या लिखा गया है कि 45,000 से अधिक है पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, 1,33,000 जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उन्होंने अपना कर रखा है। बेरोजगार शिक्षितों का रोजगार देने का पहल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बहुत ही ज्यादा हैवी होने वाला है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिमिटेड पर पोर्टल पर PhD के 373 जो कैंडिडेट उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अभी तक। पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि MSc हो गया, MBA हो गया, MCOM हो गया, MTech हो गया, इसके अतिरिक्त जो काफी होते हैं 45,342 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ग्रेजुएट जो भी BTech, BSc वगैरह, BA कर रखा है, BCOM कर रखा है, 1,33,480 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ITI टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो सर्टिफिकेट गो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं 9,216 स्टूडेंट ये रहने वाले हैं। हायर सेकेंडरी जो 12वीं पास है 2,23,072 स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 10वीं पास वालों का डाटा रहने वाला 18,688 और मैट्रिक से नीचे जो भी स्टूडेंट है, जो भी 8वीं, 10वीं, 12वीं पास है 5वीं पास है 2,71,866 जो कैंडिडेट है इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव जो उन्होंने ये सारी जानकारी आपके बीच में शेयर की है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में प्रदेश में बेरोजगारी शिक्षित युवाओं को कॉर्पोरेट संस्थानों के में यहां पर जानकारी दी जा रही है कि गुरुग्राम में शुक्रवार को एक बैठक आयोजन हुआ था, उसमें यह बड़ा खुलासा निकल कर आया है कि इतनी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर बढ़ चुकी है, जिसके अंदर आपको पूरा साफ साफ बता देता हूं, ऑनलाइन माध्यम से करके रोजगार प्राप्त करने की सुविधा देने के उद्देश्य में 2021 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लिमिटेड है जो उसका शुरुआत किया गया था। निगम के तहत नौकरियों के नियुक्त कर्मचारियों को EFA और ESI के जैसे सुविधाओं का भी लाभ दिया जा रहा है, उनका PF वगैरह भी कट रहा है। रोजगार के इच्छुक जो भी व्यक्ति है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ऑनलाइन माध्यम से भर्ती की जानकारी दी जा रही है वह अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा खुलासा यह रहने वाला है, जितने भी स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है इनमें ज्यादातर स्टूडेंट को नौकरी मिलेगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, नौकरी सबको मिलेगी क्योंकि यह डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। अभी तक जितने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो उस डाटा में इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी इससे देखी जा रही है कि इतने ज्यादा बेरोजगार अपने हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं जो
क्योंकि पीएचडी लेवल तक के भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पीएचडी वालों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। इससे क्या पता लगाया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मेरे भाई और बहन आपको भी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, लंबे टाइम से आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको एक राय देना चाहूंगा कि हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ के भी फॉर्म आते रहते हैं। अगर आपको स्कूल कॉलेजों के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है तो वहां पर भी कर सकते हैं, हेल्थ विभाग के अंदर लगना है तो वहां पर भी लग सकते हैं, कृषि विभाग, वन विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके सब में भर्तियां होती रहती है। मेरिट बेस, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है, बिल्कुल आराम से आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर एयरपोर्ट में भी ट्राई कर सकते हैं, मेट्रो के अंदर ट्राई कर सकते हैं, कंपनियों के अंदर जो लिमिटेड कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मारुति हो गया, हीरो होंडा हो गया, जो भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सबके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट जॉब्स वाले, जो भी अपडेट्स लेकर आते हैं सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपके बीच में आती है अभी तक, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर सारे संस्थान हैं, हेड ऑफिस बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ के अंदर हेड ऑफिस है, वहाँ पर जो विभाग के थ्रू जो भर्तियाँ होती हैं डायरेक्ट वो मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन निकाल लेते हैं और बिल्कुल आराम से उनका फॉर्म है वो अप्लाई करके आराम से सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको ये अपडेट्स पता नहीं चल पा रहे कि सर मुझे तो पता ही नहीं चल पाता है दिल्ली में किस प्रकार की वैकेंसी आती है, चंडीगढ़ में कब वैकेंसी आती है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा सारे अपडेट्स आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलते हैं। साथ में हमारे YouTube चैनल पर जो भी अपडेट्स आते हैं 100% रियल जानकारी के साथ में आपके बीच में हाजिर होते हैं। तो और किसी भी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। साथ में मेरे भाई गुरुबन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अपने गांव के अंदर जो कम पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं, अगर गांव के अंदर ही आपको नौकरी चाहिए, जैसे कि चौकीदार की पोस्टें हो गई, जो नल वगैरह खोलते हैं, नल टैप वगैरह चलाते हैं, पंप ऑपरेटर बोलते हैं जिनको, उनकी भर्ती आती है, वीडियो ब्लॉक के अंदर भर्ती आती है, स्कूल कॉलेजों के अंदर चपरासी की भर्ती आती है, काफी डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं अपने गांव के जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर भर्ती आती रहती है, लाइब्रेरी है उनके अंदर भर्ती आती है, वाटर सप्लाई होती है उनके अंदर भर्ती आती रहती है, तो काफी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं अपने गांव के अंदर भी कि उनके अंदर आपको रोजगार मिल जाएगा। अगर आप थोड़े से अपडेट बैठे रहते हैं तो आपके गांव के आसपास जो भी भर्ती आती रहती है सारी बताई जा रही है। अगर आपको ये चीज पूछ रहा है सर मेरे गांव में ये रहने वाला हूं, मैं इस जिले का रहने वाला हूं, यहां पर कोई जॉब आ रखी है तो मुझे बता दीजिए, आपका डाटा चेक करके आपके गांव के आसपास कोई भी जॉब होगी तो आपको करंटली बता दी जाएगी, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज डाल देना, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे कंटिन्यू आपको बताए जाएंगे। मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को देख रही है, बिल्कुल आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके गांव के अंदर आंगनबाड़ी विभाग भी है, सुपरवाइजर की पोस्ट आती रहती है, कोर्टों के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट आती रहती है, कलर की पोस्ट आती रहती है, स्कूल कॉलेजों के अंदर टीचर की पोस्ट आती रहती है, अगर कोई भी गेस्ट टीचर भी लगना चाहता है तो उसका भी अपडेट्स कंटिन्यू बताए जाते हैं। तो ये आपके सामने डाटा बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी का रहने वाला है कि अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर इतने स्टूडेंटों ने अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। अगर अभी तक जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा और जिसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कुछ भी नहीं पता, मैं उसको बताना चाहूंगा अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, अपडेट के लिए आपका भाई बैठा हुआ है, जो भी अपडेट आएंगे कंटिन्यू आपको बताए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर आपको सिलेक्शन मिलेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उससे पहले आपको दिल्ली और चंडीगढ़ में भी सिलेक्शन मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब है आप एक जॉब के पीछे मत बैठे रहो, बार बार जो भी जॉब्स आती है उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, कहीं पर भी आपको एक से डेढ़ महीने में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे आज के दिन हमारे चैनल से जॉब पर सिलेक्टेड है। कोई डीसी रेट जॉब में लग गया, कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लग गया, कोई दिल्ली लग गया, कोई चंडीगढ़ लग गया, कोई एयरपोर्ट में लगा हुआ है, काफी डिपार्टमेंटों के अंदर बच्चे जॉब पे लगे हुए हैं। तो जो भी भर्ती आती रहती है कंटिन्यू आपको बताए जा रहे हैं कि अपडेट अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया से समझाने की मैंने कोशिश की, सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको अच्छा लगा तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे भाई और बहन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और जो भी भर्ती आएंगी कंटिन्यू आपको बताए जाएंगे, इसी टाइप से अपडेट कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। तो जो भी सभी नए आए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।